मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में नवरात्रि में माता रानी की भक्ति अलग ही अंदाज में की जाती है। यहाँ नई दुनिया और रेस कोर्स नवदुर्गा मंडल के संयुक्त आयोजन रासोल्लास गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग सादगी और आस्था के साथ गरबा कर माता रानी की आराधना करते हैं। आज से रासोल्लास गरबा महोत्सव प्रशिक्षण का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारम्भ किया गया। आज प्रशिक्षण चालू हो गया है रासोल्लास गरबे का। रेसकोर्स रोड एवं नई दुनिया का संयुक्त गरबा है ये, और रेसकोर्स रोड इस गरबे को 44 साल से करा रहा है। इसकी प्रैक्टिस आज से चालू हो गई है। ये 5 बैचेस के अंदर प्रैक्टिस हो रही है, सुबह 12:30 से लेकर रात को 10 बजे तक। ये यशवंत क्लब के स्मैश ग्राउंड के अंदर नीचे हो रही है, और ये 17 दिन का प्रैक्टिस का कार्यक्रम है। और इसके बाद में गरबे जो है 10 तारीख से विधिवत जो गरबे हैं वो अभय पशाल के अंदर किए जाएंगे। वो 9 दिन ही पूरा गरबोत्सव रहेगा। यह कार्यक्रम रेसकोर्स रोड और नई दुनिया संयुक्त रूप से करा रहे हैं। रासोल्लास में बड़ी संख्या में प्रतिभागी होने के बाद भी सभी एक सुर और ताल में गरबा करते हुए नजर आए। इसका कारण है कि गरबा शुरू होने के पहले जाने माने गरबा कोरियोग्राफर की टीम द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बार प्रशिक्षण शिविर 22 सितंबर से शुरू हुआ, जिसमें गरबे की अलग अलग स्टाइल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 17 दिनों का होगा। महिलाओं के लिए विशेष बैच है। बैच भरने से पहले प्रतिभागी अपनी सहूलियत के अनुसार चयन कर सकते हैं। रासोल्लास की कोरियोग्राफी हर साल खास और पिछले साल से अलग रहती है। इनमें तालियों से मां अम्बे की आराधना शामिल होती है, तो फ्यूजन गरबे के साथ आधुनिकता का मेल भी। अभय प्रशाल के वुडन फ्लोर पर पारंपरिक लाइव बैंड पर पारिवारिक माहौल में गरबा रास का उल्लास ही कुछ अलग होता है। रासोल्लास गरबा महोत्सव का पूरा सीधा प्रसारण आप अपने घर बैठे एमपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।